अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज हम जो रेसिपी चेक करने जा रहे हैं बहुत ही इजी डिनर वाला लंच ऑप्शन बनती है, कोरमा दाल रेसिपी। लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। गर्मा गर्म कुकिंग ऑयल में आपने 2 कटी हुई प्याज शामिल करनी है, 1 प्याज को हल्का गुलाबी तल लें और इसके बाद ये सारी प्याज हमें निकाल के अलग से टिश्यू पेपर रोल पर रख देनी है और इसके ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करना है। जब तक ये प्याज ठंडी होगी हम बाकी सारे मसाले इसी कढ़ाई में भून लेंगे। अब इस कढ़ाई में आपने शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट दोनों शामिल कर लें और फिर इसमें हम सारे मसाला जार डालेंगे। मसालों में सबसे पहले आप डालें या सबके सब साथ ही डाल लें, लेकिन मैं वन बाय वन बता देती हूँ। आपने डालना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है किसी भी मसाले वाली रेसिपी में। सो इसको अच्छी तरह से भूनें। इसके बाद ख़त्म हुए मसाले हमने भी और डालने हैं। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी 1/6 टीस्पून जायफल जावित्री, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपने बहुत स्पाइसी दाल बनवानी है तो आप बेशक इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। अभी फ़िलहाल मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आप हंसते जायका में नमक की तादाद बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने ब्लेंडर में टमाटर, 4 प्याज जो तली हुई थी वो डाल देनी है और काली इलायची के दाने, 4-5 इलायची के दाने शामिल करें, थोड़ा सा दही, 1 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने इसको ब्लेंड कर देना। ये सारा ब्लेंडेड मिक्सचर हमारा जाएगा तेल में और मसालों में और हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बेसिकली इससे हमारा टेस्ट बेसिकली कोरमे का आएगा। अब ये सारा मिक्सचर आपने तेल में शामिल कर लेना है। इसको आप भूनें अच्छी तरह से, 10 से 15 मिनट तक भूनें, जब तक कि थोड़ा सा ऑयल नज़र ना आना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इसमें प्री बॉयल दाल शामिल करनी है। ये बॉयल दाल मैंने 1/2 केजी प्री बॉयल करके रखी हुई थी। इसको आपने इतने पानी में पकाना है कि ये ऑलमोस्ट गली हुई ही दाल हो जाए, तो जल्दी बन जाएगी। और इसको आप मिक्स कर लें इस मसाले में। इसमें आप पानी भी डाल दें, अगर आपने जिस हद तक पतली दाल रखनी है उस हद तक आप पानी डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालने हैं गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइसेस पाउडर 2 टीस्पून एंड नमक, अगर आपको नमक कम लगे मज़ीद नमक डालने हंसने जायका, और इसको पकने रख दें। इसको हमने अब ढक कर पकने रखना है कुछ 15 से 20 मिनट बेशक रख लें, जब तक कि ऑयल नज़र ना आ जाए और दाल बिल्कुल गल सी ना आ जाए। हमने ऑलरेडी बॉइल्ड दाल ली थी, लेकिन फिर भी मैं इसमें आधी सी इसको मैश कर रही हूँ। इसमें थोड़ी दाल मैश होगी, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेगी, तो बड़े मज़ेदार से टेस्ट आता है। इसके बाद आप इसको गार्निश कर लें दाल को विद फ्रेश कोरिएंडर। एंजॉय दिस क्विक रेसिपी एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।